हेलो फ्रेंड, आज आप लोग का मैथ्स का फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो पहले सबसे पहले नंबर्स क्या होता है या नंबर्स किसे कहते हैं। तो नंबर्स नंबर इज अ क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल। मतलब नंबर्स उसे कहते हैं जो कि एक क्वांटिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का जो क्वांटिटी होता है ना वो रिप्रेजेंट करे, उसे नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरल के बारे में। तो न्यूमरल किसे कहते हैं, तो न्यूमरल इज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर बाई ग्रुप ऑफ डिजिट। मतलब डिजिट का जो ग्रुप होता है एक उसको एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है नंबर का वो जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसे न्यूमरल कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूमरेशन के बारे में। तो न्यूमरेशन किसे कहते हैं, तो न्यूमरेशन अ नंबर एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड एज न्यूमरेशन। मतलब एक नंबर को वर्ड्स में रिप्रेजेंट करने के फॉर्म को न्यूमरेशन कहा जाता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उस तरह से नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ऑल द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। मतलब कि जितने भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 से हम लोग जैसे मतलब काउंट करते जाते हैं तो उसको 100,000 लाइक तो उसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, काउंटिंग नंबर को। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर किसे कहते हैं, तो व्हेन जीरो इज एडेड अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन इट बिकम सेट ऑफ होल नंबर दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। मतलब जब कि एक नेचुरल नंबर के सेट में एक जीरो को ऐड करते हैं तब वो क्या हो जाता है, तब वो एक होल नंबर का सेट हो जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है और होल नंबर में जीरो होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में, उसी की तरह पढ़ेंगे। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9, और स्मॉलेस्ट नंबर 1। उसी तरह 2 डिजिट का 99, 10, 3 डिजिट, 4 डिजिट ऐसे करते हैं, 7 डिजिट तक मैंने लिखा है। आप इससे आगे भी इसी तरह से होते जाएगा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। मतलब प्लेस वैल्यू चार्ट दो टाइप का होता है, पहला इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, उसके बाद इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। हम लोग पढ़ते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कितने पीरियड होते हैं, 1, 2, 3, 4 पीरियड होते हैं। क्या क्या, तो 1, 1,000, 1,00,000 एंड 1,00,000। तो क्या होता है, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,000, 1,00,000। इसको हम लोग रिप्रेजेंट अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1s को 10s को t, 100s को h। एक्चुअली आप लोग पहले भी जानते हैं इस बात को, 1,000 को th, 10,000 को tth, लैख को l, 10 लैख को tl, करोड़ को c एंड 10 करोड़ को tc। और ये जो चार्ट है ये पॉपुलर किस नाम से हम जानते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के नाम से जानते हैं इसे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इन दिस सिस्टम वी यूज फॉलोइंग लैटिन नंबर्स। और ये जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है इस सिस्टम में हम लोग नंबर्स को इस वे में लिखते हैं, 1 लैख को 100,000 में, 10 लैख को 1 मिलियन, 1 करोड़ को 10 मिलियन एंड 10 करोड़ को 100 मिलियन। इसमें क्या होता है, 3 पीरियड्स होते हैं, मिलियन, 1,000 एंड 1s। कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, 1s, 10s, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओ टी एच, उसके बाद फिर 1,000 को th, 10,000 को tth, 100,000 को hth, और 1,000,000 को कैसे करेंगे, 1,000,000 को m, 10,000,000 को tm एंड 100,000,000 को hm। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे कैसे 6 डिजिट के नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो एग्जांपल में मैंने दिया है, एक बार आप देख लीजिए कैसे होता है सॉल्व। जैसे कि हम लोग ने नंबर लिया 93,45,329, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 9, 10 लैख, 3 लैख, 4, 10,000, 5,000, 300, 2, 10, 9, इसको हम लोग फिर नंबरिंग में किए हैं, उसके बाद सॉल्व करके ऐसे होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसर ऑफ अ नंबर। तो सक्सेसर किसे कहता है, प्रेडिसर किसे कहते हैं। सक्सेसर किसे कहता है, अ नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर
is called its successor. It means successor of a number is one more than that number. तो successor किसे कहते हैं? एक वो number जो कि किसी भी number के just बाद में है. मतलब कि successor क्या होता है? एक ज़्यादा. हम लोग more than and less than जैसे पढ़ते हैं उसी तरह more than क्या होता है? Successor मतलब क्या होता है? हर चीज में हर number में एक सब number में एक ज़्यादा हो. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल में नंबर है 98,46,999. इसमें अगर हम लोग 1 प्लस करेंगे क्या होगा 98,57,000. तो ये हो गया क्या हो गया 98,57,000. ठीक क्या हो गया 98,56,999 का सक्सेसर हो गया. इसको क्या कहा जाएगा? सक्सेसर ऑफ अ नंबर. देन फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेडिसर ऑफ अ नंबर. तो प्रेडिसर ऑफ अ नंबर क्या होता है? द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडिसर. इट मीन्स प्रेडिसर ऑफ अ नंबर इज वन लेस देन दैट दैट नंबर. मतलब कि प्रेडिसर जो होता है ना वो क्या कहते हैं? एक नंबर पहले, मतलब कि एक लेस देन, मतलब जो भी नंबर उससे एक पहले. जैसे वन से पहले टू, से पहले वन, थ्री से पहले टू. ठीक क्या हो गया? थ्री का प्रेडिसर क्या हो गया? टू. उसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने बड़े मतलब सिक्स डिजिट यहाँ पे बोला गया है एक्सटेंडेड फॉर्म में. हम लोग अगर वन टू तो पढ़ेंगे नहीं, वो यहाँ पे हम लोग सिक्स डिजिट पढ़ेंगे. सिक्स डिजिट में क्या होगा? हम लोग लेते हैं 47,65,923. अब इसका प्रेडिसर अगर हम लोग को निकालना, हम लास्ट नंबर देखेंगे 23 है, तो 47,65,922 ये क्या हो गया? इस नंबर का प्रेडिसर. और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जीरो का कोई प्रेडिसर नहीं होता है. जीरो हैज नो प्रेडिसर. देन अब हम लोग पढ़ेंगे स्किप काउंटिंग के बारे में. तो इफ स्टार्टिंग विथ अ गिवन नंबर वी राइट सम नंबर्स विथ अ फिक्स्ड गैप बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर देन सच ए काउंटिंग इज कॉल्ड एज स्किप काउंटिंग. मतलब कि स्टार्टिंग में किसी भी नंबर का जब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो कुछ नंबर लिखने का एक फिक्स्ड गैप होता है. जैसे टू के बाद हम लोग फोर लिखे, फोर के बाद सिक्स लिखे, इसमें गैप टू का गैप है. ये सक्सेसिव मतलब आगे बढ़ते, मतलब ग्रेटर देन जो भी नंबर है उसका जो सक्सेसिव फॉर्म होगा, नंबर्स होगा. मतलब टू का सक्सेसिव हो जाएगा फोर, फोर का होगा सिक्स. इस तरह से उसको क्या कहा जाएगा? स्किप काउंटिंग कहा जाएगा. ठीक है. देन अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका, रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स किसे कहते हैं? तो द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर फर्स्ट यूज बाय हिंदू एंड लेटर बाय अरेबियन. दिस न्यूमरल्स आर कॉल्ड हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. मतलब कि ये जो न्यूमरल्स हैं, पहले वन से लेकर नाइन तक जो न्यूमरल्स हैं, पहले क्या यूज़ किए? हिंदुओं के द्वारा यूज़ किए गए, फिर अरेबियंस के द्वारा यूज़ किया गया. इसलिए इस न्यूमरल को क्या कहा जाता है? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या कहा जाता है. इसके बाद ये न्यूमरल्स रोम में यूज हुए, जिसके कारण ये न्यूमरल्स किस नाम से जाने गए? रोमन नंबर्स के नाम से. और रोमन नंबर्स जो होते हैं उसमें सेवन सिम्बॉल्स होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता. पहला सिम्बॉल क्या क्या होता है? वन, आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एन, एम. और जितने भी सिंबल हैं सबके अलग अलग वैल्यू होते हैं. जैसे यहाँ पे चार्ट में मैंने बताया, वन आई का वैल्यू वन होता है, वी का वैल्यू फाइव होता है, एक्स का वैल्यू टेन होता है, एल का फिफ्टी, सी का हंड्रेड, डी का फाइव हंड्रेड, एम का वन थाउजेंड. इस तरह से क्या होता है इसका वैल्यू. तो जो रोम में यूज है रोमन नंबर, वैल्यू ये है इसका. तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो क्लियरली. थैंक यू सो मच.